بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बकरा आयत नंबर 194 टू 196। अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آيات نمبر 194-196। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम। हुरमत वाले महीने ही रहेंगे और हुरमतों के खिलाफ वर्जी पर क़िसास लाजिम है। फ़मन इअतदा अलैकुम फ़अअतदू अलैहि बिमिथली। फिर जिसने ज़्यादती की तुम पर तो तुम कार्रवाई कर सकते हो उस पर इतनी ही जितनी उसने ज़्यादती की तुम पर। वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। और डरते रहो अल्लाह से और जान लो कि अल्लाह तो मुत्तकियों के साथ है। वांफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह और ख़र्च करो तुम अल्लाह की राह में और नहीं तुम डालो अपने आप को अपने ही हाथों हलाकत में। वअहसिनू और एहसान करते रहो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। क्यों एहसान करते रहो? बेशक अल्लाह पसंद करता है एहसान करने वालों को। व अतिम الحج والعمر لله और पूरा करो हज और उम्र अल्लाह के लिए। फिर अगर तुम घेर लिए जाओ तो पेश करो जो मैसर आए कुर्बानी में से। वला تحلقوا رؤوسكم और नहीं तुम मुनवाना तुम्हारे सरों को
हत्ता यबलुग अल हदयु महिल्ला, यहाँ तक कि पहुँच जाए कुर्बानी अपने ठिकाने पर। फमन काना मिनकुम मरीज़न औ बिहि अज़न, फिर जो हो तुम में से कोई मरीज या उसे तकलीफ़ हो उसके सर में, तो वो फ़दिया दे दे रोज़ों से या सदक़े से या कुर्बानी से। फ़ैज़ा अमिन तुम, कब? फिर जब अमन में आ जाओ तुम। फमन तमत्ता बिल उम्र, तो जिसने फ़ायदा उठा लिया उम्रे का, इलाल हज, हज के साथ, फिर जो भी मैसर आए कुर्बानी से, और जो ना पाए, क्या ना पाए, कुर्बानी करने के लिए जानवर फिदिये के लिए, तो रोज़े रखे 3 दिन फिल हज यानि हज के दौरान, व सबातिन इधर अजातु, और 7 जब वो वापस लौट आए। तिलका आशरत उनका मिले, ये इसी तरीके से 10 पूरे हो जाएंगे। हाँ, ये हुक्म किसके लिए? ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये उसके लिए है जिसके ना हो अहल वयाल रहने वाले मस्जिद हराम के पास। वत्तकुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से, और जान लो कि अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, डरते रहो यानी अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करते से डरते रहो, और खूब जान लो कि अल्लाह बड़ी पकड़ वाला है और शदीद पकड़ वाला है। अल्लाह ताला इस आयत में बता रहे हैं, सूरतुल बकरा आयत नंबर 194, अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हराम, हुरमत वाले जो महीने हैं वो बदला है हुरमत वाले महीनों का। पहले तो हमें पता होना चाहिए हुरमत वाले महीने कौन से हैं, और अल्लाह ताला ने इसको हुरमत वाला महीना क्यों कहा है। हुरमत वाले यानी हराम, कुछ चीज़ें इन महीनों में हराम कर दी गई थी। जैसे कि पहले देखते हैं हम हुरमत वाले महीने कौन से, आपको पता है? नो, अकॉर्डिंग टू आयत, जो हुरमत वाले महीने जो है 4 हैं, अल्लाह की तरफ से फिक्स किए हुए हैं वो, और ऑर्डर वाइज है, एक सिर्फ अलग है, तो याद रखने में इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी आपको। ज़िलक़ादा बिफोर हज, देन हज का महीना, ज़िलहज्जा, और उसके बाद मुहर्रम, 3 ऑर्डर वाइज है, याद रखिए। ये 3 महीने और एक रजब का महीना, ये 4 महीने अल्लाह की तरफ से हुरमत वाले फिक्स कर दिए गए हैं। उसके पीछे भी अल्लाह की कुछ हिकमत है। होता क्या था कि ये 4 महीने, यानी दौरे जाहिलियत में अरब में ये चीज़ बहुत आम थी कि बहुत ज़्यादा लूट मार, डकैती, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम थी। लोग एकदम इन्हीं सुकून से सफ़र नहीं कर पाते थे, ये इस्लाम से पहले की बातें। तो होता क्या था, जब अल्लाह ताला ने ये 4 महीने फिक्स कर दिए, ठीक है, कि अब ये हुरमत वाले महीने हैं, इन महीनों में अगर ये मक्का का ये रूल था कि अगर तुम्हारे बाप का कातिल भी सामने आ जाता था तो मक्का वाले उसको छोड़ देते थे हुरमत वाले महीने में, यानी इतना एहतराम करते थे, इतना ज़्यादा एहतराम करते थे। फिर ये है कि क्यों अल्लाह ताला ने इसको हुरमत वाला महीना करार दिया। देखिए, हज के महीने में आज के हमारे जैसे आज इतनी जो मोटर ट्रांसपोर्ट इतनी फास्ट है, पहले इतनी थोड़ी थी कि एक दिन में पहुंच गए बस, नहीं, पहले लोग पैदल सफ़र करते थे, महीनों लग जाते थे उनको सफ़र में वहाँ, मतलब हज के लिए पहुँचने के लिए। तो इसलिए एक महीने पहले जो है वो हज का महीना जो है वो हुरमत वाला करार दे दिया गया। ये 4 महीने आप सोचिए, ऐसा था कि अरब वाले बड़े सकून से, स्पेशली मक्का वाले बड़े सकून से तिजारत कर पाते थे, बाकी 8 महीने वो कुछ तिजारत नहीं कर पाते थे। इतना खौफ उनके दिलों में बैठा हुआ था कि पता नहीं कब कहाँ लूटे जाए, इतना खौफ था उनके दिल में। तो ये कि अमन और सकून से उनका हज का महीना जो है वो आराम से निकल जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने ये हुरमत के महीने फिक्स किए। एक केस पेश आ गया था, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसको। ये देखिए कि अल्लाह ताला ने कहा कि हुरमत वाले महीने के बदले में हुरमत वाले महीने हैं, क्योंकि मुशरिकार मक्का बड़ी चालाकी करते थे। इनका जो एक मतलब जुर्म था कि वो जब उनको दिल करता था ना कि हाँ चलो कुछ अभी क्या करें, 2 महीने से बड़ा शांति से बैठे, तो वो लोग जो है ना, यानी मुहर्रम के महीने को सफ़र में चेंज कर देते थे कि हम समझ जाए कि ये मुहर्रम का महीना नहीं, सफ़र का महीना, जो मर्जी वो कर लो, हम अगले महीने को जो है वो मुहर्रम का महीना करार दे देंगे। इतनी जुर्रत देखिए उनकी, जुर्रत तो देखिए, और सूरह तौबा में जाके इन डिटेल उनके बारे में पढ़ेंगे कि इतनी जुर्रत ये करते थे। तो यहाँ पर
और बदला है हुरमत वाले महीनों में भी, जो क़िसास का हुक्म अल्लाह ने दिया है ना, वो उसमें भी आपको फॉलो करना है। तो एक केस ऐसा हो गया था कि कुछ यानी कुफार मक्का जो है ना, उन्होंने मतलब मुसलमानों को उकसाया कुछ बोल बोल कर, और ऐसा हुआ कि मुसलमानों को थोड़ा गुस्सा आया ना, तो उन्होंने जो हमला कर दिया काफिरों ने, और उसके वजह से जो है ना एक काफिर मारा गया। अच्छा, ये लाइलमी में हुआ सहाबा से, क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि रजब का चांद निकल चुका है। 29 का चांद था, उन्हें लगा कि आज चांद नहीं निकला है, 30 का चांद कल निकलेगा। इन गलत फहमी में ये मामला हो गया था। ये केस पूरा आगे पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने बता दिया कि आगे वो सब सवाल करते हैं आपसे, हुरमत वाले महीने में जंग करना कैसा है, आएगा सवाल आगे। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम्हें इतनी सी फतह मेरे रसूल के सहाबा की दी गई और तुमने इनके साथ क्या क्या मामला किए। तो ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में ले जाते हैं वो लोग, आगे इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने परमिशन दे दी कि हुरमत वाले महीने में भी तुमको किसास सेम है। क्यों? क्योंकि फिर जो भी तुम पे ज्यादती करे, फिर तुम भी ज्यादती करो उस जैसा ही जितना उसने किया है तुम पर। और ये देखो कि अगर ये परमिशन अल्लाह ताला नहीं देते, 4 महीने में तो सारे मुसलमानों का सफाया कर देना था उनको, है ना। अल्लाह ताला बहुत इंसाफ की बात करते हैं। अगर ये मामला नहीं अल्लाह ताला करते, तो उन्हें लगता कि मुसलमान तो हाथ उठाने वाले नहीं है, और वो तो वैसे ही अली की नाफरमानी तो कर ही रहते वो लोग मुशरिकान मक्का। फिर ये तो सारा ये 4 महीने में पूरे मुसलमानों को ख़त्म कर देते हो। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ईमान वाले ऐसे नहीं है। मैं पीछे जितनी आयतें गई, डिफेंस में तुमको जो हाथ उठा सकते हो, लेकिन ज़्यादती नहीं करना है। तो हुरमत वाले महीने में भी अगर तुमसे कोई लड़ने आता है, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं उसमें भी तुम जो है उनको बराबरी का जो बदला ले सकते हो, इतनी परमिशन अल्लाह ने दी है। हाँ, लेकिन वत्तकुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से, और ये जान रखो कि बेशक अल्लाह किसके साथ है? तकियों के साथ। आज अगर आप अपने आप में ये फील करती हैं कि अल्लाह मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है? तकवे की कमी है। अल्लाह का डर मेरे दिल में नहीं है, इसलिए अल्लाह का साथ मुझे नहीं मिल रहा है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम डरते भी अगर इस बात पे अमल करोगे, तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और देखिए आप कितनी इस सूरत में आपको मुत्तकी वर्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा। तकवा इस पेज में कितनी दफ़ा आती है, कुछ आयतों में ही, 2-3 आयतों में कितना ज़्यादा जो तकवे की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का खौफ ही होता है, अल्लाह का डर ही एक ऐसी नियामत होती है जो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा कर रखती है। फिर आगे चलिए, अब जब ये देखिए, आप बात किताल की चल रही है, जंग की चल रही है, लोग समझते दीन का काम कपट में चलता है, नहीं। जब जहाँ पे भी अंदाज़ देखोगे आप अल्लाह के कलाम का, जहाँ भी किताल की बात आएगी, अल्लाह के रास्ते में लड़ने की बात आएगी, तो खर्च की बात ज़रूर ज़रूर आएगी। अभी मैं आपको रज़े की तिलावत करेंगे ना, जहाँ कहीं जंग की बात आएगी अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद, खर्च की बात ज़रूर आएगी, जैसे यहाँ पर आया है, वह अनफेकू फी सबीलिल्लाह, और क्या करो, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। और अगर तुम नहीं खर्च करते हो, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं गोया कि वो एक ही असल में एक मुहावरा है अरबी में, और नहीं तुम डालो तुम्हारे हाथों को हलाकत की तरह। किस सूरत में? ना खर्च करने की सूरत में। अगर तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, तो गोया कि तुमने अपने आप को हलाकत में डाल दिया। जैसे उर्दू में एक मुहावरा है ना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, वो मुहावरा है उर्दू में। कि होता क्या है पता है, कि लोग समझते हैं कि नहीं कि देखो कहीं माल की भी ज़रूरत पड़ती है और कहीं जात की भी ज़रूरत पड़ती है। हमने सिर्फ माल 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 लगा दिया और पता चला वहाँ पे तो दिन के काम के लिए हम खुद बजा के वहाँ हमको खुद जो है वो हाजिर होना चाहिए था। यानी अल्लाह ताला बता रहे कि देखो, जब तुम अपना माल अल्लाह के रास्ते में नहीं लगाओगे, तो फिर दूसरी जगह तुम्हें अपना माल लगाना पड़ेगा। आज देखो ना, जब अभी देखिए, मैंने कहा आज हमें अल्लाह के रास्ते में कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं, दीन को फैलाने के लिए। आज दीन फैलाने के लिए जिहाद में कदम है। तो जो कौम तालीम पर पैसे नहीं लगाती है ना, फिर उसको हथियारों पर पैसे लगाने का इस तरीके। तो बहुत क्लियर बात अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में अगर तुम खर्च नहीं करोगे, गोया कि तुमने अपने आप को हलाकत में डाल दिया। और क्या करो, वह अहसिनू,
रोते धोते अल्लाह के रास्ते में खर्च मत करो, एकदम अहसन दर्जे का खर्च करो और हंसते खेलते करो, खुशी खुशी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और बिल्कुल कैसे अहसान के दर्जे के। यानी कहा जा रहा है कि दीन का काम भी बहुत अहसन दर्जे का करना चाहिए। हुस्न से निकला है ये, हुस्न यानी खूबसूरत, खूबसूरत तरीके से जो है वो अल्लाह के रास्ते में तुम्हें खर्च करना है और खूबसूरत तरीके से अल्लाह के रास्ते में तुम्हें काम करना है, ये बताया जा रहा है। और इसकी अहमियत कोई नहीं, देखिए कि ये सिपारा सूरह बकरा एंड तक जो है वो खर्च की बात चली गई, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसकी अहमियत हमारे दिल में डाल दे कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कितना अहम है। क्यों अहसन एहसान का मामला क्यों करें? क्योंकि इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह वो पसंद करता है एहसान करने वालों को। जब देखिए एक दफ़ा का मामला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में बैठे हुए, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए इंसान की शक्ल में और वो सवाल जवाब ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे, इस तरीके से दीन सिखाया लोगों को। तो एक सवाल था, उन्होंने पूछा क्या रसूलुल्लाह एहसान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह की जब इबादत करे तो ये तसव्वुर करे कि तू अल्लाह को देख रहा है, और ये पॉसिबल नहीं है ना, तो कम से कम तू इतना तसव्वुर कर ले कि अल्लाह तुझे देख रहा है। तो एहसान क्या है? अल्लाह मुझे देख रहा है, ये फीलिंग हमेशा हमारे दिल में होनी चाहिए। होगा क्या उससे? हम हर काम अहसन दर्जे का करेंगे। बातों का रब देखिए आप, जब ये फीलिंग मेरे दिल में रहेगी कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो सोचिए वो काम मेरा कितने अच्छे तरीके से होगा। फिर क्या मैं कोई बुरा काम करते रहूँगी? मैं सोचूँगी अल्लाह मुझे देख रहा है, ये फीलिंग अगर मुझ में रहेगी तो क्या ये कोई बुराई की तरफ मेरा जाने का दिल करेगा, या कोई ऐसा बुरा काम, गुनाह का काम उस तरफ मेरा जो बिल्कुल भी यानी कदम ही नहीं उठेंगे? अगर ये फीलिंग मेरे दिल में रहेगी, नहीं, अल्लाह मुझे देख रहा है। और यही फीलिंग हमें अपने बच्चों के दिल में डालनी है। फिर देखिए आपको इतना उनको वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उनको इतनी जासूसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये बात उनके अंदर डाल दी कि अल्लाह तुम्हें सब जगह देख रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं देख रहे तो क्या, वो अल्लाह आपको देख रहा है और वो किसी भी तरीके से अल्लाह ताला मुझे खबर दे देता है, ये इतने से जुमला बच्चों के सामने बोल कर देखिए आप, कितना खौफ आता है बच्चों। फिर बच्चे आपके सामने के आपके पीछे भी कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद देखिए हो गई बात में, अगली आयत जो है आयत नंबर 196। फिर आगे भी कुछ आयतें हैं जिसमें इंशाल्लाह हम लोग हज और उम्रे के मसाइल देखेंगे। फिर आप देखिए कि यहाँ पर कुछ बातें हाईलाइट की गई हैं हज और उम्रे की, लेकिन कुछ बातें नहीं की गई हैं, तो हमें किस तरफ रुख करना पड़ता है? हदीस की तरफ। फिर जो लोग हदीस का इनकार करते हैं ना, तो नाउज़ बिल्ला वो समझो फिर हज और उम्रे की भी बहुत सारी चीज़ों का इनकार करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको हदीस से सीखने पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं इंशाल्लाह। अब ये जो है पहली बात, तो आयत का पहला हिस्सा ये इतना देखिए कि वाकई क्या ये बात है आज के लोगों में, वह अतिमुल हज्जा वल उमरता लिल्ला, और मुकम्मल करो हज और उम्रे को किसके लिए? अल्लाह के लिए आपको हज और उम्रा करना है। और आज लोग अपना एक टाइटल लगाने के लिए हाजी, नहीं, हाजी का टाइटल लगाने के लिए हज मत करिए, बल्कि किस लिए हज करिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और अल्लाह अल्लाह की ज़ात के लिए सिर्फ आप जो है हज और उम्रा करिए। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, पहली बात तो देखो हम एक एक चीज़ को देखते हैं ऐसा कि हज और उम्रा तो करना है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। हज का मीनिंग क्या होता है और उम्रा का मीनिंग क्या होता है? हज का मीनिंग क्या होता है? इरादा करना या फिर असेंबल होना, जैसे कि एक जगह हम लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं, एक मजमुआ वहाँ पर हो जाता है। दूसरा उम्रा का मीनिंग क्या जी बोलिए, हो सकता है जवाब सही हो आपका। उम्रा का मीनिंग क्या है? अल्लाह के घर की ज़ियारत करना, इसका मीनिंग ये है, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना, तवाफ़ करना, तवाफ़ स्पेशली है, तवाफ़ करना।
ठीक है। तो ये देखिए कि हम ये कर तो लेते हैं लेकिन इसका लिटरेट मीनिंग ही हमको पता नहीं होता है। उमरा इज़ ए तवाफ ऑफ काबतुल्ला। अच्छा, उसके पीछे भी मकसद आपका होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूँ। मैं इस बार में जब गई ना, यकीन करी नहीं पता होता है, लाइव भी में लोग कर लेते हैं, वहाँ जा कर भी ना वो वाकई अल्लाह के होकर नहीं आते, यानी पूछे भी ना किसी से तो वो ऐसा है ना। एक दो तो मुझे बंदियाँ ऐसे मिली, मेरे बच्चे नहीं ना बहुत सास है इसलिए मैं आई थी यहाँ पर, यानी मकसद देखिए आप, अरे आप अल्लाह को राज़ी कर लीजिए, अल्लाह की रजा के मकसद। वो होता क्या है कि जो लोग उनको गाइड कर रहे होते ना, असल में वो सही गाइडेंस उनको मिलता नहीं। कितने लोगों को जो है वो जमात से नमाज़ पढ़ने नहीं आते हैं, इतना गड़बड़ करते हैं नमाज में इतनी। तो जब आपको अल्लाह मौका देना, पूरी मालूमात लेकर जाइए। क्यों? देखिए क्या पता दोबारा सफ़र मेरा है या नहीं। अल्लाह का एहसान है कि पहली दफ़ा ही गई थी, लेकिन शौहर के साथ में उनको पता था, लेकिन मुझे खुद को बहुत नॉलेज चाहिए थी, कहाँ कहाँ से छान मारा था सब कुछ। अल्लाह का एहसान है कि मुझे आने के बाद ज़रा भी कोई ऐसा अफसोस नहीं कि मेरी कोई चीज़ रह गई या मैं नहीं कर पाई, कोई ऐसा वो नहीं ना रहता ना। अल्लाह बाद में, अल्लाह मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि उनमें बहुत आसान है, लेकिन वो जो फीलिंग लेके जाना चाहिए ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो लेकर जाइए आप यहाँ से एहसास कि किसके आप जा रही हैं। अच्छा, ये जो एक मसला पेश आ गया था किस टाइम में, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था, सूरह फतह में हम पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अल्लाह ने दिखाया कि आप अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उमरा करने जाएंगे। हज का महीना तो था नहीं वो। तो हुआ क्या, जब सहाबा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उन्हें मक्का वालों ने एंट्री नहीं करने दी हुदूद हरम में, यानी तवाफ़ करने ही नहीं दिया। हुआ क्या, हुदैबिया की जगह पे वो रोक दिए गए। अभी मसला पेश आ गया। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला पेश आया तो डेफिनेटली हो सकता है ऐसा तो नहीं होगा कि रोक दिए जाएंगे, उनकी उम्र में कोई और मसला हो सकता है, पेपर्स तुम्हारे सही ना हो, जिद्दा एयरपोर्ट पे तुम रोक दिए गए, घर से नियत तुम उमरे की करके निकले, कुछ भी, बीमार हो गए तुम्हें वापस आना पड़े, कुछ भी केस हो सकता है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर अगर फिर अगर घेर लिए जाओ तुम, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया था, फिर जो भी मैसर हो, आसानी से जो भी मैसर हो, किस में से, कुर्बानी के जानवरों में से, करना क्या है, यानी कहने का मतलब ये, हुदूद हरम तक नहीं पहुँचे, तवाफ़ नहीं किया, सही नहीं की तुमने, क्योंकि ये जो है, यानी देखो उमरा किए तो उस वजह से ना कि बाद में हम जो है हज करने आएंगे, वो हज की कुछ किस्में इंशाल्लाह बताती हूँ। तो हुआ क्या, जब ये घेर लिए गए, हुक्म क्या मिला, और नहीं तुम मुंडवाओ तुम्हारे सरों को यहाँ तक के पहुँच जाए कुर्बानी का जानवर, उसकी कुर्बानी कहाँ पर। बहुत मुश्किल वक्त था उस वक्त सहाबा के लिए, अपने अपने जानवर वो लेकर आए साथ में कि जाएंगे वहाँ पर उमरा करेंगे और क्या करेंगे, सर मुंडवाएंगे, क्योंकि हुक्म ये था कि जब तक कुर्बानी तुम नहीं करोगे सर नहीं मुंडवा सकते, ठीक है। लेकिन अब घेर लिए गए थे यानी वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, अब हुक्म यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि तुम सर भी मुंडवाओ और कुर्बानी वहाँ तक पहुँचाओ। कितना दिल दुखाने वाली बात है, आए थे अल्लाह के घर का तवाफ़ करने, करने मिला नहीं, इतने दुखे भी थे सहाबा, इतने ज़्यादा गमगीन थे। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया तो एक दफ़ा तो सहाबा नहीं माने, क्योंकि अंदर से बहुत दुखी रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में चले गए और इतने गमगीन होकर बैठे हैं, उनके साथ उनकी जो एक जौजा थी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, देखिए अच्छी बीवियाँ कैसे शौहर को दिलासा देती हैं। कहने लगी कि यार सुल्हा ये आपके साथ ही बहुत अच्छे हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख क्या रहा था, मैंने कहा और इन्होंने माने नहीं, तो उन्होंने समझाया उनकी जोजा जो साथ में थी, कहा कि नहीं साथी आपके बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस थोड़ा गमगीन है, क्या करें, उनको दुख हो रहा है कि अल्लाह के घर का तवाफ करना है और वो नहीं कर सके। तो उसके बाद फिर आप जाइए बाहर, आप अपना सर जो है वो कुर्बानी का जानवर जो भेजिए और उसके बाद सर मुंडवाई, फिर देखिए ये खुद बखुद करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सर मुंड अपना जो है सर मुंडा, जब सहाबा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल निकाल रहे, फिर सहाबा से रहा गया। फिर रिवायत में आता है कि उन्होंने इतनी स्पीड में एक दूसरे का सर मुंडा गोया जैसे गर्दन काट ली, इसको इताअत कहते हैं। ये सोचिए कि बिल्कुल एकदम मानने वाले, जरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करने वाले, दुख था बहुत अंदर से उनको,
तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ऐसा कोई मसला तुम्हारे साथ पेश आ जाए। अब देखिए कितनी बड़ी आजमाइश थी, यहाँ पर आए थे अल्लाह का घर का तवाफ़ करने। सबको बहुत एक हसरत होती है कि जाए वो अल्लाह का घर दीदार करे, तवाफ़ करे, सही करे। कुछ भी नहीं किया, कोई मरहला कोई भी अरकान उन्होंने अदा नहीं किए। अल्लाह ताला बोल रहे उससे बड़ी आजमाइश, बहुत हायर स्टाइल तुम्हें पसंद है, अब निकालो तुम्हारे पास। और वो जानवर में तुम्हारा माल लगाए ना, उसकी भी कुर्बानी दे, उससे बड़ी कुर्बानी तुम्हारी ये। और ये अल्लाह ताला, ये देखो अरकान में से एक अरकान एट लास्ट पूरा, उमरे का अरकान हो गया तो आखिरी रुकने क्या है इसका, चार ही स्टेप है ना, उसमें से चौथा बाहर निकालना तुम्हारा, वो भी बहुत बड़ी आजमाइश है। बहुत प्यार है ना तुम्हें अपने बाप से, चलो अब इससे कुर्बानी दो। अब ये देखिए आप, ये बात हो गई, इतनी बात आई समझ में, आयत का एक एक हिस्सा समझते जाइए आप। अब हुआ क्या, अल्लाह ताला बता रहे पवन काना, फिर जो भी है तुम में से मरीज या उसको तकलीफ हो उसके सर में। ये किस वक्त की बात है कि समझो उसने कुर्बानी का जानवर पहुंचा नहीं है अभी, लेकिन ऐसी कोई तकलीफ हो रही, क्योंकि पहला स्टेप क्या है अगर कुर्बानी देना, तुम्हें अगर खबर मिल गई है तो अपने बाल मुड़वा लो, इतना समझे ना। तो ये देखिए कि कुर्बानी का जानवर वहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन अभी अगले बंदे को इतनी कुछ तकलीफ है सर में कि अगर उसने बाल नहीं मुड़वाया तो उसकी जान जा सकती है और ज़्यादा तकलीफ उसकी बढ़ सकती है, या वो इतना है कि बाल नहीं निकाल सकता कुछ बीमारी की वजह से। एक सहाबत थे हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि इतना लंबा सफ़र था मक्के का, तो ना नहाना ना धोना, तो उनके सर में बहुत जुएँ पड़ गई थी, इतनी जुएँ पड़ गई थी कि वो लाइक ऐसे सब बह के आती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम अपने बाल निकाल दो, तो मसले ऐसे पेश आए थे, हो सकता है कुछ ऐसे मसले पेश आ जाए। तो अल्लाह ताला तकलीफ ही थी ना उनको, कुछ तकलीफ हो रही थी ना, तो उन्होंने बाल निकाल दिए। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ऐसा अगर हो जाए तो उसका तुमको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, उसका तुमको फिदिया देना पड़ेगा। क्या फिदिया देना पड़ेगा, ये किस कंडीशन में है, कुर्बानी करने से पहले अगर तुम बाल निकाल रहे हो। एकदम एक एक बात को क्लियर कर दिए, ठीक है। फिर वो क्या करे, फिदिया दे, किसके जरिए, रोजे के जरिए या सदक़े के जरिए या कुर्बानी के जरिए। अब ये जो है रोजे, आई थिंक कुछ छः रोजे कुछ आते हैं, और उसके बाद या तो सदका अमाउंट के जरिए दे या तो वो एक बकरी की कुर्बानी दे। ये कुफारा है किसका, अगर उसने उस कुर्बानी से पहले ये कुर्बानी दे दी तो बाल निकालना पड़ा किसी वजह से। अब आप ये देखिए, हाँ नहीं नहीं उम्र में ये उस टाइम में था, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अभी जो ये असल में ना हज के जो तीन स्टेप्स है ना उसमें, तो इसको कंप्लीट कर लो फिर उसको एक्सप्लेन कर दी। अभी नहीं, अभी सिर्फ बाल की कुर्बानी देने का बस, ठीक है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये बात हो गई, ये तुमको फिदिया देना है, फिर जब अमन में आ जाओ तुम। अब ये बात आई देखो, यानी कंप्लीट हो गया तुम्हारा, हाँ हो गया तुम्हारा। फिर उसके बाद देखो, फिर जो भी शख्स वो क्या कर ले, फ़ायदा उठा ले, किससे, उम्रे से, किसका, हज की तरफ। जैसे कि हज के तीन स्टेप्स हैं, हज तमत्ता जिसको एक कहते हैं, एक एक को क्लियर करें। हज तमत्ता क्या है कि उसमें उम्रा और हज, हाँ एक ही अहराम में वो कर लेता है, एक ही अहराम में बार बार, ये नॉर्मल ये कि जैसे हम लोग यहाँ से जाते और वो करते हैं, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सबसे बेहतरीन कहा है, मुश्किल नहीं होती इंसान की हज तमत्ता, ठीक है, यानी उम्रे से ही हज का जो उसने फ़ायदा उठा लिया, हज के दिनों में जो ये हाँ साथ में करते हैं। दूसरा ये देखिए कि उसने उम्रा कर लिया, अहराम अभी नहीं खोलेगा वो, और उसके साथ साथ जो है फिर जो मशायरे हज है वहाँ हज के सारे अरकान करेगा, आठ जिल हज्जा से जो भी अरकान शुरू हो जाते हैं, और इसमें कुर्बानी कंपलसरी है इस हज में। ये हज वो है नॉर्मल जो आउटसाइडर्स जो जाके करते हैं, यानी यही हज ही ज़्यादातर अभी किया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक ही हज किए ना, वो सेकेंड जो है वो बताते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि यही हज आप जो है वो नेक्स्ट ईयर से करना, कि एक ही अहराम में मुश्किल नहीं पड़ती इंसान को, आसानी रहती है, आसानी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हुक्म दे कर दिया। ओके, अच्छा फिर ये देखिए, हज की तरफ उसने उम्रे से हज का फ़ायदा उठा लिया ना। अच्छा देखिए, पहला उमरा करना कंपलसरी है, देन हज होगा आपका। क्यों? फिर जवाब यहीं पर मैंने आपको जो कहा था वही होगा, बताइए। यस, क्योंकि हुदूद हरम में आप जा रहे हो तो उमरा का मतलब यही है कि अल्लाह के घर का तवाफ करना कंपलसरी है ना। आप वहाँ जा रहे हो तो पहले अल्लाह के घर का तवाफ करोगे, आप देन अपने घर पे जो है आपकी रिहाइश जो है वहाँ आप जाओगे। आगे चलिए, फिर यहाँ पे बात आगे, फिर जो भी मैसर हो आसानी से कुर्बानी का जानवर, फिर वो उसको क्या करें, कुर्बान करें। इतनी बात आई समझ में? जो हज का पहला स्टेप है क्लियर। अच्छा फिर जो भी शख्स नहीं वो पाए, ये देखो क्योंकि हज तमत्ता में कुर्बानी कंपलसरी है लेकिन उसको सहूलत नहीं हो रही है, उसको कोई जानवर नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करे? फिर वो रोज़े रखे 3 दिन के, कभी हज के दिनों में, यानी जब तक वो वहाँ पर है हज के दिनों में, यानी नो, ये एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन है, उसमें से नहीं है क्या ये? नो, उसमें नहीं। ये फिदिया किसके लिए है? जो जानवर आसानी से नहीं पा रहा है, नहीं मिल रहा उसको जानवर, हाँ उस वहीं पर रखना है आपको, ठीक है, हज के महीने में। अच्छा 3 तो वहाँ पे आपको रखना है, लेकिन 7 रोज़े जब तुम अपने घर लौट आओ जब तुम्हें रखना है, टोटल कितने हो गए? 10 रोज़े किस लिए रखना है? अगर कुर्बानी का जानवर नहीं मिल रहा है आसानी से, जान बुझ के लिया आसानी से आपको मैसर नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करोगे। अब इसमें देखिए यहाँ नॉर्मली क्या होता है, एक घर में एक कुर्बानी सारे फर्द की तरफ से इनफ हो जाती है ना, हेड ऑफ द फैमिली कर सकता है, लेकिन वहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ गए तो दोनों को अलग अलग कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है, वहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ज़ालिका, ये जो हुक्म दिया है 10 रोज़ों का किसके लिए? ये हर उस शख्स के लिए है जो नहीं हो मस्जिद हराम के पास रहने वाला, नहीं वहाँ का रिहाइश नहीं हो। फिर देखिए ये जो है वहाँ के रहने वाले ज़्यादातर कौन सा हज करते हैं? हज इफ़्रात जिसको कहा जाता है, हज इफ़्रात यानी सिर्फ हज करना, उसमें उम्रा इंक्लूड नहीं रहता, क्योंकि वो वहाँ का है तो फिर उसको उम्रा करने की क्या ज़रूरत है, और उसमें कुर्बानी भी नहीं है, सिर्फ वो हज के अरकान अदा करेगा तैसे। दूसरा जो है हज है हज कैरान है, इसमें क्या होता है, ये बड़ा मुश्किल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि एक दफ़ा आप जाओ उम्रा करो फिर वापस आओ फिर आप जाओ हज के लिए से हज के अहराम बंधो, यानी पूरे स्टेप्स से पूरे अलग, ये बहुत मुश्किल वाला काम है। आप ये सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाते तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, ठीक है। अब ये हज किरान जो है ना, असल में हज तमत्ता को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि ना ये जो अरब वाले थे ना या मक्का वाले, उनका एक कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हमने हज किरान नहीं किया, यानी उस हज तमत्ता को असल में वो बहुत ज़्यादा ममनू समझते थे कि एक साथ क्या ये करने का, इस अमल को बहुत ज़्यादा ममनू समझते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जब अल्लाह ताला उस चीज़ का हुक्म दे रहे हैं तो आप और मैं उस चीज़ को अपनी तरफ से क्या ज़रूरत है कुछ बनाने। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये एक मिनट बात को पूरी करते पहले, अच्छा और अल्लाह ताला बोल रहे हैं वत्तकुल्लाह और डरते रहो अल्लाह से और ये खूब जान रखो बेशक अल्लाह सख्त पकड़ वाला है। क्यों ऐसी बात है कि अल्लाह से डरते रहो और ये जान लो कि अल्लाह सख्त पकड़ वाला है? चीटिंग नहीं कर रहे, कोई दम नहीं दिया, दम दिए जो कुर्बानी है जानवर मिला नहीं मिला, उसका रोजे का जो दिया हुआ है ठीक, जो अहकाम है और रोजे भी नहीं रखे बेशक ये। और ये देखिए कि आप एक मुझे बात बताइए, यहाँ पर हज की रूह क्या बताई जा रही है, रूह मतलब उसकी असर आपको क्या लेकर आना है, हज की रूह क्या है? वही है जो रोजे की रूह है, यस तक्वा, यानी हज और उम्रा आपको तक्वा हासिल करने के लिए करना है, ना कि अपने आगे टाइटल लगाने के लिए हाजी का। देखिए वही रूह किसकी थी? रोजे की थी, रोजे क्यों रखो? लअल्लकुम तत्तकून,
ताकि तुम क्या हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर दूसरा कि हज का मैंने आपसे कहा कि अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हज के जरिए क्या सिखाना चाहते हैं बताइए। हमारी ज़ाती अमल है, इसलिए देखिए अगर सिर्फ एक स्टेप हम तवाफ करें, एंटी वाइज है कि वो क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक है, उसका जो तवाफ है एंटी क्लॉक है। ये अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि एक तो पहली बात कि मुआशरा जिस तरफ चल रहा है तुम्हें उस तरफ नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि मुआशरे का हाल तो ये है कि मुआशरा कहता है क्या, चलो तुम उधर जिधर है हवा का रुख है जिधर हवा का, नहीं आपको वैसे नहीं चलना है। बल्कि अगर मुआशरा सुन्नत किताब और सुन्नत के खिलाफ जा रहा है तो आपको उसके रुख पर नहीं चलना है। दूसरा ये देखिए कि अरकान ऐसे हैं जिसकी हिकमत आपको समझ नहीं आ गई। किसी को आप ऐसा अगर बताओ ऐसे तवाफ करते हैं देन सही करते हैं फिर बात, बोलिए क्या है इसके अंदर है क्या। और यकीन करिए जिन लोगों को ये चीज़ नहीं मिलती है ना, वो सोचते हैं क्या फ़ायदा बचा, कोई नकली बात तो कभी नहीं होगा। अरे अरे जाने से पहले लोग क्या सोचते हैं, हज बोले तो कुछ ना कुछ नफील इबादत होगी बहुत वहाँ पर। सुना है मैंने लोगों को अगर जाके आते क्या फ़ायदा, कोई नफील नमाज नहीं पढ़ी, कुछ ये नहीं किया, कुछ वो नहीं किया। जिन लोगों को दीन में ना अलग अलग यानी एक्स्ट्रा कुछ करने की आदत होती है ना, जो बिल्कुल टू द पॉइंट अमल नहीं करते ना, वो ये बातें वहाँ से आने के बाद भी ये चीज़ नहीं लेकर आते। जबकि देखा जाए ना अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिस तरीके से तुम्हें हज के अरकान की हिकमत समझ नहीं आ रही ना, क्यों घूमे, क्यों तवाफ करे, इतना चल के मीना तक जाना, अरफात तक जाना, क्या ये, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इसी तरीके से तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी मैं करता हूँ ना उसकी हिकमत तुम्हें समझ नहीं आएगी। वो तुम कर रहे हो मेरे हुक्म पे, तवाफ मेरे हुक्म पे कर रहे हो, सही मेरे हुक्म पर कर रहे हो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसको मेरा हुक्म मानकर एक्सेप्ट करो जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है। फिर देखिए ज़िंदगी में इतना ठहराव आ जाता है ना कि अल्लाह बस तेरी मर्ज़ी पे मुझे चलना है। अब देखिए कि अल्लाह ताला तो यहाँ बोल रहे हैं कि हज और उमरा मेरे लिए करो। जब मैं उमरे पे जा रही थी ना, कुछ लोगों ने मुझसे, पता है जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बता रही, आप अजमेर जाके आए क्या, मैंने कहा क्यों, अब वहाँ नहीं गई तो वहाँ कैसे जा रही है। यकीन करिए उसे दिल फटा ना मेरा अंदर से कि मैंने कहा क्यों पूछा आपने ऐसा मुझसे, मैंने तो कहीं किताब सुन्नत में नहीं पढ़ा कि पहले उधर जाके हाजिरी दो देन तुम अल्लाह के घर को जाओ। कितना बड़ा झूठ आज लोगों के दिमाग में बिठाया जा रहा है। अरे सात दफ़ा तुम वहाँ चले जाएंगे ना हाज हो जाएगा, अल्लाह की पर अभी भी मेरे को अंदर से कपकपी छोड़ रही, इतना बड़ा झूठ अल्लाह पे बांध लेते। यकीन करिए दिल अंदर से बहुत दुख रहा है मेरा। आप 1000 उमरा भी कर लेंगी ना तो एक हज का सवाब आपको मिलना नहीं है। इतना बड़ा झूठ तुमने अल्लाह पे बांध लिया, तुम 7 दफ़ा वहाँ हाजिरी दे लो तुम्हारा एक हज हो जाएगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना उनको तौबा करना चाहिए अल्लाह के हुजूर, कितना बड़ा झूठ तुम बांध रहे हो अल्लाह पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी नहीं कहा कि मतलब तुम इतने इतने उम्रे कर लो तो तुम्हें हज का सवाब मिल जाएगा। हज का सवाब अपनी जगह है, और ये मेरे साथ हुआ इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कभी किसी की सुनी सुनाई बात हो आपसे शेयर भी नहीं करूँगी कभी। इतना दिल दुखाना मेरा कि आज मुसलमानों को किस तरफ भटकाया जा रहा है। इस यही वजह आई थिंक सो कि मोहब्बत अल्लाह की दिल में जो कमी आई है ना मोहब्बत की, कि आज मुसलमानों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह के घर की मोहब्बत नहीं है। ये बहुत बड़ी वजह है कि उनको उस तरफ फेरा जा रहा है। और वहाँ जाकर भी मैंने कितने लोगों को देखा है ना, अल्लाह के घर के सामने बैठे लेकिन पुकार रहे उनको, वहाँ भी बड़ा दिल दुखाने वाला मकाम था मेरे लिए। सच्ची में मुझे इतना रोना आया ना उन लोगों को देखकर कि तुम्हें अल्लाह के घर के सामने बैठकर भी उसकी बड़ाई का एहसास नहीं हो रहा है, क्या है यानी। ये तो ये हुआ कि जैसे तुम गए थे वैसे वापस आ गए, कहाँ लेकर आए तुम ये चीज़। जाने से पहले ये मांग कर जाइए, अल्लाह मैं जा रही हूँ ना मैं सिर्फ तेरी रजा के लिए जा रही हूँ, तो मुझे उसकी रूह देकर, उसकी आप रूह नहीं लेकर आए ना आपका ये नहीं, ये देखिए कि कैसे इंसान उसकी रूह लेकर नहीं आता, इतनी एनर्जी वेस्ट करता है, अपना माल वेस्ट करता है, अपना टाइम इतना जो है लगाता है, और लाने को क्या लाता है, टाइटल हाजी का, दैट्स इट। मत करिए ऐसा,
इतना दुख का मकाम है ना आपको, आयत इतनी आपने पढ़ ली हज की, कहीं नहीं गए उधर, पहले हाजिरी है तो देन आओ मेरे घर पे। कुरान में गारंटी से पूरी कुरान जिसका तर्जुमा आपको पढ़ना है पढ़ लो, चैलेंज देती मैं आपको, अगर एक आयत भी मिल गई ना आपको कि जाओ पहले उधर हाजिरी तो देन जाके उधर, तो आकर मुझे बोलना कि आपने झूठ बोला था। ओके, फिर उसके बाद यही बातें अल्लाह तआला बोल रहे हैं कि एक तो अल्लाह से डरते रहो, दूसरा ये कि खूब जान लो अल्लाह बहुत पकड़ वाला है। इस आयत से मुझे वो मेरी बात याद आ गई, ऐसे जो लोग बोलते हैं उनको अल्लाह का खौफ नहीं कि अल्लाह कब उनकी पकड़ कर ले, यही चीज़ है कि अल्लाह उनको तौफीक नहीं देता कि तुमको मोहब्बत नहीं तो मत आओ मेरे घर पे, मेरे को चाहिए नहीं ऐसे लोग जिनको मोहब्बत नहीं है, जिनके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं, अल्लाह को ज़रूरत भी नहीं ऐसे लोगों की। ओके, अब मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफे बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वसत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के खात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिस्क तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे इनायत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। इंशाअल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته।